नॉर्थ रोहिणी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो सगे भाइयों समेत तीन कुख्यात स्नैचर्स को दबोच लिया। इनमें एक मंगोलपुरी का बीसी राजेश है, जो पिछले साल 200 स्नैचिंग के मामलों में अरेस्ट हुआ था। ये एक तारीख को देर रात हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बहुत ही डेस्परेट रॉबर और स्नैचर है, जो हमारे एरिया में पहले भी सक्रिय रहा है और हाल ही में जेल से रिहा होके आया है बेल पे। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जैसे ही हमने चेकिंग हम कर रहे थे, उस दौरान एक मोटरसाइकिल पे तीन लड़के आए, जिन्होंने हमारे रोकने के इशारा करने के बावजूद अपनी मोटरसाइकिल काफ़ी तेज़ी से भगाई। उनका पीछा किया गया, आगे एक और जगह पे हमने नाका लगा रखा था, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि ये जो लड़के हैं काफ़ी एक्सपर्ट मोटरसाइकिल राइडर्स हैं और ये पहले भी इनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट्स रही हैं। तो उस नाके पे जाके इनको जब घेर लिया गया, तब इन्होंने ग्राउंड फायर भी किया हमारी टीम के ऊपर, लेकिन क्योंकि देखा कि चारों तरफ से घिर गए हैं तो फिर इनको हमने पकड़ लिया। राजेश 6 महीने जेल में भी रहा, लेकिन जमानत पर रिहा होते ही वो फिर से ताबड़तोड़ वारदातें करने लगा। डीसीपी आउटर विक्रमजीत सिंह ने बताया कि नॉर्थ रोहिणी थाने की पुलिस टीम ने मंगोलपुरी के बीसी राजेश उर्फ दिलदिल, उसके भाई अजय उर्फ गेंडा और गैंग मेंबर अनिल को अरेस्ट किया है। पूछताछ में उनके 18 वारदातों में शामिल होने का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने बदमाशों से पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। 4 चेन्स हमें मिली हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर इन्होंने करीब 18 केसेस का और खुलासा किया है, जो इन्होंने राजेश ने जेल से आने के बाद जिनको अंजाम दिया था। और इनसे 2 वेपन भी मिले हैं हमें, जिनमें एक पिस्टल है और एक कंट्री मेड वेपन है, कट्टा है। CNI चैनल के लिए दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट।